आज मैं बना रही हूँ व्रत में खाए जाने वाले फलाहारी साबूदाने की टिक्की। और ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और इसे आप एज अ स्नैक्स के तौर पे या उपवास व्रत में आप इजीली खा सकती हैं। तो इसके लिए मैंने 4 घंटे पहले ही साबूदाने को भिगो दिया था और ये बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो इसको दबाकर मैं चेक कर रही हूँ तो एकदम दब से जा रहे हैं। तो साबूदाने जब आराम इजीली दब जाए ना तो समझिएगा वो बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब इससे हम कुछ भी रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़े से कटोरे ले लिए हैं। अब इसमें सारे साबूदाने को ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि अब इसमें हम इसे टिक्की बनाने के लिए एकदम इसे डो फॉर्म में बना लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मूंगफली का पाउडर ऐड करेंगे। तो मूंगफली को रोस्ट करके इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो यहाँ देख सकते हैं मूंगफली का पाउडर एकदम बारीक करके ही मैंने पीसा है क्योंकि टिक्की बनाने के लिए हम कॉर्नफ्लोर या मैदा यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं मूंगफली का ही पाउडर यूज़ कर रही हूँ और मैंने एक आलू को ग्रेट करके डाला है। अब एक हरी मिर्च काट कर डालूँगी और थोड़े से मैंने धनिया काट के रखे हैं। तो हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना पसंद हो आप उतनी मिर्ची यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं एकदम बारीक काट के ही डालूँगी। और अगर आप व्रत वगैरह में साबूदाने के बड़े वगैरह खाते हो तो एक बार इस टिक्की को भी ट्राई करके देखिएगा, ये भी आपको खाने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ मैंने स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक ऐड किया है और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये एकदम डोर के फॉर्म में आ जाए। जैसे हम टिक्की वगैरह का लगाते हैं ना डोर, उसी तरह सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। और अब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगाकर इसे टिक्की के शेप में बना लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े से अपने हाथों में घी ले लिया है और अब इसमें से पोर्शन लेके हम गोल गोल टिक्की के शेप में इसे बना लेंगे और बना के एक साइड रखते जाएंगे। तो आपको अगर मेरी ये साबूदाने की टिक्की की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं मैं कैसे दबा दबा के इसे एकदम टिक्की के शेप में चपटा करते जा रही हूँ। और आप इसे चाहे ना तो बड़े के शेप में गोल गोल फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे टिक्की ही बना रहे हैं तो एकदम प्योर टिक्की के शेप में ही मैंने इसे बना लिया है। यहाँ पे यहाँ हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार हो गई। और एक साइड मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए और इसमें मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया था। तो यहाँ मेरी घी भी गर्म हो गई थी तो इसमें मैं सारी टिक्की डाल दूँगी सेकने के लिए। तो पहले टिक्की को जब डालें ना तो एकदम आहिस्ते आहिस्ते डालें और गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखें क्योंकि हाई फ्लेम करके मैंने घी गरम किया था। तो अब एकदम लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट छोड़ दूंगी ताकि एक साइड से ये अच्छे से सिक जाए। तो जब घी गरम होती है ना तो फ्लेम एकदम लो कर देना चाहिए, नहीं तो क्या होगी कि टिक्की अंदर तक सिकेगी नहीं बल्कि जल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लो करके ही एक साइड से सेंक लिया है। अब दूसरे साइड से मैं थोड़ा सा गैस का फ्लेम मीडियम करूँगी और दूसरे साइड से भी इसे एकदम क्रिस्प होने तक सिकने दूंगी। तो यहाँ मतलब कि इसे ना थोड़ा छोड़ के ही सेंकना पड़ता है तभी हमारी टिक्की एकदम क्रिस्प और करारी बनती है। तो मैंने दोनों साइड से कम मुझे 5 से 6 मिनट लग गए इस टिक्की को एकदम लो फ्लेम पे सेकने में। और अब हमारी टिक्की एकदम क्रिस्पी होके सिक चुकी है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे आप चटनी के साथ या फिर इसकी चाट भी बनाकर आप खा सकते हैं। ये चाट बनाकर भी इसकी खाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो उपवास में इस तरह का स्नैक्स आप इजीली खा सकते हैं और किसी को भी खिला सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इससे ना भूख भी नहीं लगती है, पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। तो इस नवरात्रि में आप इस टिक्की को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये साबूदाने की टिक्की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय, हैप्पी नवरात्रि।